फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। इसमें क्या खास रहेगा और जो पुलिस की खासकर जो लोग हैं उन लोगों को इसके कितना फ़ायदा होगा जिनके बच्चे जो है विशेष बात है। अभी ये जो हमने स्मिता सेंटर खोला है ये अपने दिल्ली पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं जवान हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए खोला है। तो हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनका जो थेरेपीज है उनको यहाँ थेरेपीज दी जाएगी, उनके डेवलपमेंट में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी तक ये जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो बाहर जाया करते थे थेरेपीज के लिए, जिसमें उनका काफ़ी खर्चा भी आता था और कई बार वो समय भी नहीं दे पाते थे। तो ये हमारा जो सेंटर है ये इसमें बच्चों के लिए बहुत मददगार रहेगा, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आएगी और उनके जीवन में जो इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक ये स्मिता सेंटर सहायक रहेगा। सर, सबसे पहले इस सेंटर के बेनिफिट्स के बारे में बताइए। ये सेंटर जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने चलने में अपने डेली कोर्स में नहीं कर पाते हैं और जिनका मानसिक डेवलपमेंट बॉडी आई कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं होता उनके लिए बेसिकली ये है। और बेसिक इसमें तीन तरह की थेरेपी है, डिफरेंट बहुत सारी तरह की एलिमेंट्स होती हैं बट तीन तरह की थेरेपी, स्पीच थेरेपी जो बोलने में मदद करती है क्लैरिटी में, इसके अलावा स्पीच थेरेपी सिर्फ बोलने के अलावा जब आपका नहीं होता खाने में परेशानी होती है कुछ लिक्विड लेने में उसको भी इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज से। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो सेंसरी इश्यूज आपको छूने में टच में किसी को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और फिजियोथेरेपी तो आपको मालूम ही है मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना काम नहीं कर पाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथनिंग उनके बैलेंस के लिए होती है। तो बेसिकली 2 से 14 साल के बच्चों को यहाँ यह तीनों तरह की थेरेपी और काउंसलिंग दी जाएगी। सर, जिस घर में ऐसे बच्चे होते हैं उनके माँ बाप भी जो होते हैं वो भी काफ़ी टेंस में होते हैं, तो क्या उनके लिए भी दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है या उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने देखा होगा हम लोगों ने सिर्फ स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं कराई है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनका ओरिएंटेशन भी हम लोगों ने स्पेशली कराया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में। और इसमें बता दूँ हर थेरेपी में एक पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी लिए पेरेंट की सेंसिटाइजेशन उनकी ट्रेनिंग। दूसरी बात ये होती है कि हर तरह की ट्रेनिंग थेरेपी यहाँ नहीं हो सकती है, वीक में हर आदमी 2 दिन का थेरेपी हो पाएगा बाकी घर में होता है, इसके लिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है। उनका भी हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया है और उनके भी यहाँ बैठने का उनके अटेंड करने का प्रावधान हमने किया है। सर, पुलिस लॉ ऑर्डर मेंटेन करती है और इस तरह के थेरेपी सेंटर बनाना जो आप ही के स्टाफ यहाँ पे ये उसको तैयार करेगा तो वो मेंटली कैसे इस चीज़ के लिए तैयार हो? तो पुलिस का आप सही बोलते हैं, बेसिक काम तो लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन डिटेक्शन क्राइम है, बट आप जानेंगे जितनी भी बड़ी पुलिस फोर्स इंडिया में वर्ल्ड ओवर है सब में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। अगर हम इन जवानों का, क्योंकि नॉर्मल आदमी से हमारी ड्यूटी अधिक स्ट्रॉन्ग होती है, अधिक ड्यूटी लॉन्ग आवर्स होती है, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट हर तरह इस तरह का काम होता है। ये ज़रूर है कि दिल्ली पुलिस जैसा मैंने कहा बहुत बड़ी फोर्स है, इसमें इस तरह के बच्चों के लिए ऐसा थेरेपी खोलना बहुत बड़ा हेल्प है। प्लस जो पुलिस के स्टाफ यहाँ पोस्टेड है उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनका सर्टिफिकेशन हुआ है, उनका एप्टीट्यूड देखते हुए उनको रखा गया है। कॉन्स्टेबल सपना, सपना जी, इस सेंटर के खुलने से आपको कितनी मैम? सर, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है, मेरे लिए नहीं है सभी पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है कि मैं तो बाहर से बच्चे की अब थेरेपी करवाती थी, उसकी स्पीच थेरेपी करवाती थी जिसके लिए मेरा बहुत खर्चा होता था, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट होने वाला है और मैंने अपने बच्चे के यहाँ पे इनरोलमेंट भी करवा दिया है और बच्चे को लेके आया। किस तरह का यहाँ पे इलाज किया जा रहा है? यहाँ स्पीच का है, फिजियोथेरेपी का है, ओटी का है, यहाँ पे सब चीज़ों का इलाज किया जा रहा है, 3 चीज़ों के। सपना जी, 6 महीने पहले आप? सर, उस दिन मैं थोड़ा ये परेशान थी कि मेरा बच्चा है उसे थेरेपी की ज़रूरत है तो उसका थेरेपी सेंटर, मेरा थेरेपी सेंटर में अगर ट्रांसफ़र हो जाता तो मुझे बहुत रिलीफ मिल जाएगा कि मैं अपने बच्चे के साथ उसकी अपनी थेरेपी करवा पाऊँगी बच्चे की। आज तो सर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि यहाँ पे हर एक थेरेपिस्ट को देख के बहुत खुशी हो रही है कि हर एक थेरेपिस्ट इतने अच्छे अच्छे से हैं।